अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन बिल 2015 जो अध्यादेश को बिल के रूप में प्रस्थापित किया था और आज उसको उस पर चर्चा करने का जो अवसर मुझे दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं बड़ी गंभीरता से अपने माननीय सदस्यों की इस पर चर्चा सुन रहा था। मानो इस देश की लाइफ लाइन ऊर्जा है और आज उस ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अगर महत्व है, किसी का रोल है, तो कोयले का है। चाहे वो बिजली के उत्पादन में हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे स्टील फैक्ट्री हो, और जिस तरीके से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2012 के रिट पिटीशन में जिस तरीके का फैसला उन्होंने 25 अगस्त 2014 को किया कि जो कोल ब्लॉक 1993 से पिछले दिनों आवंटित की गई समय समय पे, वो कोल ब्लॉक अवैध रूप से आवंटित की गई, ये एक अवैध घोषित किया 25 अगस्त 2014 को, और उस परिपेक्ष में फिर सुप्रीम कोर्ट का 24 सितंबर 2014 को जब एक आदेश आया तो उसमें 204 कोल ब्लॉक को अवैध रूप के आवंटन को मान करके सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी कोल ब्लॉक को रद्द करने की घोषित किया, कैंसिल करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक है कि देश में 204 कोल ब्लॉक को कैंसिल कर दिया जाए जिसमें 47 कोल ब्लॉक ऐसे थे जिसमें 42 में उत्पादन भी शुरू हो गया था और कुछ जो बचे हुए थे उसमें उत्पादन प्रारंभ होने की प्रक्रिया में थी। तो स्वाभाविक है कि जहां हम इस सदन में चिंता करते हैं कि आज हमारे एनटीपीसी के थर्मल पावर हों या और पावर प्लांट्स हों, किसी के पास 6 दिन का कोयला उपलब्ध है, किसी के पास 4 दिन का कोयला उपलब्ध है, और इस तरीके से जहां की कोयले की उपलब्धता पे एक सवालिया निशान लगता है और उस समय सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर ले 25 सितंबर को कि हम 204 कोल ब्लॉक को आवंटित करते हैं, तो शायद ये केवल सरकार के समक्ष एक संकट नहीं था, पूरे देश के समक्ष एक गंभीर अनिश्चय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति, एक ऐसा संकट पैदा हो गया था कि लगता था कि क्या ये देश के खदानों में लाखों जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा, अगर कोयले का उत्पादन बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर से जो पावर प्लांट्स हैं उसमें उत्पादन में कमी आ जाएगी या उत्पादन बंद हो जाएगा, इसी तरह से स्टील और सीमेंट जो किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी ढांचा के लिए आवश्यक मूलभूत एक तत्व है, उसके भी शायद उत्पादन बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं निश्चित तौर से आज खड़े होकर के अपने भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार को इसलिए बधाई दूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2014 को 204 कोल ब्लॉक को कैंसिल किया, एक महीने से कम 21 अक्टूबर को अध्यादेश ला दिया कि हम ई ऑक्शन के माध्यम से इन कोल ब्लॉक को हम ऑक्शन करने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि एक जो अनिश्चय की स्थिति होती है, शायद एक महीने में मैं समझता हूँ फाइलें मंत्रालय में बैठ के होती रहती, शायद हमारे हुड्डा जी बोल रहे थे तो उन्हें ये नहीं मालूम कि तमाम चीज़ों पे GOM बन जाता था और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठ के करते रहते थे और निर्णय की स्थिति नहीं होती थी। उन्होंने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उन्होंने कहा 1993 से जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए थे, और वो हमारी सरकार में कोल ब्लॉक नहीं आवंटित हुआ था बल्कि पिछली सरकार में भी आवंटित हुआ था, वो निश्चित तौर से इस बात को जानते हैं कि पिछली जो 1993 से जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए थे उसमें 218 कोल ब्लॉक थे। उस 218 कोल ब्लॉक में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 204 कोल ब्लॉक को रद्द किया था। तो स्वाभाविक है कि शायद जिस ऑक्शन की बात कर रहे हैं कि वो पॉलिसी लाने की बात कही, मैं कहता हूं 2004-5 में अगर वो पॉलिसी कांग्रेस यूपी की सरकार ने तय किया तो 2015 तक उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट न करने के पीछे कौन सा उद्देश्य था कि शायद अगर ये ऑक्शन हो जाएगा
तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ केवल ऑक्शन के माध्यम से ही कोयला मिलेगा, तो शायद फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या जिसको उपकृत करना होगा उसको नहीं दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं आज उनको स्वीकार करना चाहिए था कि अगर 10 साल हमने ऑक्शन की पॉलिसी बनाई और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो जो स्कैम हुआ है उसके लिए सीधे सीधे वो गुनहगार है, जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना। अगर शायद वो पॉलिसी लागू कर देते तो जो हमें चिंता थी, सदन की चिंता थी, कि आज जिस तरीके से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट सरकार के उन फैसलों पे निर्णय करती थी और उससे पूरी एक संसदीय परंपरा को जिस तरीके से कालिख लगती थी कि जिस जो फैसले हुए चाहे 2G का हो चाहे कोलगेट का हो, 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, आज उस प्रश्न का जवाब अपने आप मिल रहा है कि अगर 204 कोल ब्लॉक में अभी केवल 18 कोल ब्लॉक ई ऑक्शन के माध्यम से अगर हमारा ऑक्शन हुआ है तो 18 कोल ब्लॉक 1,35,000 करोड़ में अगर ऑक्शन हुआ है तो स्वाभाविक है कि 204 कोल ब्लॉक अगर होगा तो ये लाखों करोड़ में होगा। मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, कोई अभी मैं कम से कम 3 मिनट तो मुझे दे दें, आई मस्ट गेट एटलीस्ट 3 मिनट। तो आप उस 18 और बात चिंता कर रहे हैं कि ये रेवेन्यू हम थ्रू ई ऑक्शन करके जो सारा रेवेन्यू हम पाएंगे 1,35,000 करोड़, ये भारत सरकार अपने खजाने में लेने नहीं जा रही। ये सारा पैसा वो जहाँ उन जिन राज्यों में माइंस है, जिन राज्यों में, उन्हीं राज्यों को हम पूरा पूरा पैसा देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो भारत सरकार एक प्रयास कर रही है कि जो रेवेन्यू के लिए राज्य सरकारें चिंतित रहती थी कि हमारे पास बजट नहीं है, विकास के लिए नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, या हमारे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए नहीं है, आज उस दिशा में जिस तरह से ये काम हुआ है, आज 1,35,000 करोड़ 18 ब्लॉक से ही हो जाएगा। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को उन्होंने आगाह किया कि उनको ये देखना होगा कि ई ऑक्शन में कितने लोगों को एक ही ब्लॉक मिल जाता, कितने को नहीं मिल जाता। ये शायद निश्चित तौर से अगर उस पिछली 15वीं लोकसभा के कार्यकाल में वो हमारे युवा साथी ने ये अगर सुझाव सरकार में दिया होता, और शायद आज भी लोगों को मालूम है कि अगर वो दस्तावेज खंगाले जाएँ तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में या जिस तरीके से अलॉटमेंट की प्रक्रिया थी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में, उस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की प्रक्रिया से कुछ ही लोगों को लाभ हुआ है। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास कोई पावर कैपिटिव प्लांट नहीं था, कोई पावर प्लांट नहीं था, उनको कोल माइंस आवंटन हुआ है, शायद इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी, जिनको वाकई आवश्यकता थी। मैं अपनी बात को कंक्लूड कर बस थोड़ा सा टाइम दे। और आज इस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जिस तरीके से मान्यवर अगर ये अध्यादेश आया, इस अध्यादेश पर सवाल उठाएगा कि क्यों अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी। आखिर अध्यादेश अगर पूरे देश के कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए और उस अध्यादेश को ला के एक महीने के अंदर से एक हमने ट्रांसपेरेंट ढंग से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हमने ई ऑक्शन किया, और ऑक्शन में सबको मालूम होगा कि कौन कितना बिडिंग कर रहा है और उससे अधिक कोई दूसरा कर सकता है, इतनी ओपन ट्रांसपेरेंसी मैनर में जो शायद प्रक्रिया अपनाई है, ये निश्चित तौर से ये सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार ने इस खुले पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने एक इस प्रक्रिया से। और मैं समझता हूं कि इससे देश को एक एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी, एनर्जी सिक्योरिटी भी देश को होगी, और देश में जो एक अनिश्चय की स्थिति थी वो माननीय सभापति महोदय